हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आईसीआईसीआई बैंक ने अपने क्यू के रिजल्ट को डिक्लेयर किया है। सबसे पहले हम जान लेते हैं रिजल्ट कैसे है। ये जो रिजल्ट है वो स्टैंड लोन रिजल्ट है। टोटल इनकम जहाँ पे 27,069 करोड़ है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 26,030 करोड़ थे, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 24,416 करोड़ थे। टोटल एक्सपेंडिचर 16,921 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर में 16,116 करोड़ थे, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 15,596 करोड़ थे। सो एक्सपेंडिचर हो या फिर टोटल इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हुआ है। नाउ अगर हम आईसीआईसीआई बैंक के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के नंबर को देखें, वो 8,140 करोड़, जो के लास्ट क्वार्टर में 7,201 करोड़ थे, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 6,078 करोड़। यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा खासा इंप्रूव है। अब जान लेते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड 6,193 करोड़ वर्सेस 5,510 करोड़, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 4,939 करोड़ थे। ये जो है वो स्टैंड अलोन रिजल्ट है। अब अगर हम कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखें, वहां पे टोटल इनकम 39,865 करोड़ है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 39,484 करोड़ थे, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 40,419 करोड़ थे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो इंप्रूव हुआ है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे टोटल इनकम का जो नंबर है वो रिड्यूस हुआ है। टोटल एक्सपेंडिचर 28,714 करोड़ वर्सेस 28,359 करोड़, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 30,196 करोड़। सो ये अच्छा पॉजिटिव फैक्टर है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे टोटल एक्सपेंडिचर भी घटा है, हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी थोड़ा इंप्रूवमेंट है। नाउ अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स के नंबर को देखें, सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का नंबर है 9,216 करोड़ वर्सेस 8,605 करोड़, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 7,557 करोड़ थे। बट नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, नेट कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 6,536 करोड़ वर्सेस 6,091 करोड़, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 5,498 करोड़ थे। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ऑलमोस्ट 500 पॉइंट करोड़ का इंप्रूवमेंट है, नॉट 500 करोड़, ऑलमोस्ट 450 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम मोर देन 1,000 करोड़ का जंप देख सकते हैं। सो ओवरऑल रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड रहे। सबको लगता था आईसीआईसी बैंक का रिजल्ट अच्छा होगा, एंड डेफिनेटली आफ्टर एचडीएफसी बैंक इस पर्टिकुलर बैंक ने भी अच्छा रिजल्ट डिक्लेयर किया है, देयर इज नो डाउट ऑन दैट। अब की हाइलाइट्स, एंड की हाइलाइट्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो आई कैचिंग फिगर है वो एनपीए। बैंक का एनपीए लास्ट क्वार्टर में 1% से नीचे आ गया था, जो कि बहुत पॉजिटिव साइन था। इस पर्टिकुलर क्वार्टर में और भी इंप्रूव है, नेट एनपीए डिक्लाइन फ्रॉम 0.99 to 0.85%। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? किसी बैंक का अगर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े एंड नेट एनपीए घटे, सो इससे बेहतर है कुछ हो नहीं सकता। आईसीआईसीआई के रिजल्ट के बारे में सबको एक्सपेक्टेशन था, रिजल्ट अच्छे आएंगे। जो शेयर मार्केट में थोड़ा बहुत काम करते हैं, थोड़ा बहुत नॉलेज है, सबको पता था, इसलिए बैंक में बहुत करेक्शन नहीं आया। एंड 800 के करीब बैंक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहा था। नाउ इस पर्टिकुलर बैंक के ऊपर अच्छे खासे टारगेट आएंगे मंडे का जब मार्केट ओपन होगा। एंड डेफिनेटली अगर मार्केट कंडीशन अच्छा रहा तो स्टॉक में हम थोड़ा बाइंग भी देखेंगे। आप डाउन साइड थोड़े रेस्ट्रिक्टेड है, जब भी स्टॉक पे आपको गिरावट देखे आप स्टॉक को बाई कीजिए फॉर लॉन्ग टर्म। ये स्टॉक आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा, देयर इज नो डाउट ऑन दैट। अच्छा मोर देन एचडीएफसी बैंक भी आपको रिटर्न दे, बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट है। नाउ अगर कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को देखें, टोटल डिपोजिटरी ग्रोथ 16% ईयर ऑन ईयर, एंड कासा रेशियो वॉज 45% इन Q3 2020। डोमेस्टिक लोन पोर्टफोलियो ग्रोथ बाई 19%। ये कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर है। प्रोविजन कवरेज रेशियो 79.9%। ये प्रोविजन कवरेज रेशियो जो होता है वो जितना ऊपर हो उतना अच्छा होता है, सो डेफिनेटली 80% के करीब है। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस पर्टिकुलर। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 19.79% इज आल्सो वेरी गुड। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर थे आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट के बारे में। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 25% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हम देख सकते हैं। सो ओवरऑल रिजल्ट इज वेरी गुड। वीडियो इंफॉर्मेशन अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।